से पर्दा हटेगा। कि दिल्ली में ईडी सुशांत सिंह की बहन से प्रियंका सिंह से पूछताछ कर रही है और दिल्ली में ईडी मुख्यालय में प्रियंका सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल जानकारी ये दिल्ली से आ रही है कि ईडी सुशांत की बहन से प्रियंका सिंह, जिनका नाम है, उनसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली में ईडी मुख्यालय में प्रियंका सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस के मामलों में प्रियंका सुशांत को संभालती थी, उनके कारोबार से तमाम जो ट्रांजेक्शन होते थे उस पर निगाह रखती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज ईडी के एमटीएनएल के दफ्तर में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के जो बयान है वो ईडी दर्ज कर रही है। यहाँ पर उनकी जो बहन है प्रियंका, वो यहाँ पर पहुंची थी और आप देख सकते हैं सामने प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है। ये रीजनल ऑफिस है ईडी का, जहाँ पर प्रियंका के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके पहले ईडी ने जो सुशांत के पिता हैं उनके बयान भी दर्ज किए थे और कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, उसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और तमाम जो सीए हैं या जो बिजनेस पार्टनर थे, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उन तमाम लोगों से इसमें ईडी पूछताछ कर चुकी है। प्रियंका का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी आई थी कि 2019 में रिया चक्रवर्ती और प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ था, एक घर में जो सुशांत की पार्टी चल रही थी उसको लेके भी तमाम जानकारी यहाँ पर हासिल करने की कोशिश ईडी करेगी। और मुंबई के पास लोनावला में हैंगआउट विला में सुशांत अक्सर छुट्टी बिताया करते थे और पिछले साल रिया का जन्मदिन भी इसी विला में मनाया गया था। मैं लोनावला के उस हैंगआउट विला, इस बंगले के बाहर खड़ा हूँ, जो बंगला सुशांत सिंह के नाम से इस वक्त बहुत चर्चे में है। यहाँ पर सुशांत सिंह कई बार अपने दोस्तों के साथ आया करते थे और छुट्टियां मनाया करते थे। पिछले साल रिया का जो बर्थडे है यही पर उसके परिवार के साथ में यहाँ सुशांत ने सेलिब्रेट किया था और जो कि यहाँ पर एक शंकर भगवान की मूर्ति की जो है वही प्रतिष्ठापना भी यहाँ पर की थी।